हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल निकी आर्ट। तो फ्रेंड्स, इन क्रिएटिव लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी दो नई वीडियोस डाली हैं, तो आप वो वीडियोस को देखना और उस पर बहुत सारे कमेंट्स करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और उस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब का बटन जो लाल रहता है ना, उसे ग्रे कर देना। तो मैंने यहाँ पे भी एवेंजर्स में से एक कैरेक्टर लिया, वांडा मैक्सिमॉफ, उसका मैंने ड्राइंग बनाया। आप देख सकते हैं, ये रहा वो ड्राइंग। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब बनाने में तो ठीक है, जैसा मैंने सोचा कि इमेजिनेशन की थी, मैं वैसे वैसे बनाती रही कि ऐसा होना चाहिए। पर कलरिंग मैंने अपने हिसाब से कर दी, मतलब रेड कर दिया, थोड़ा ब्लैक कर दिया, और ब्राउन और ब्लू, ब्राउन और थोड़ा सिल्वर मिक्स कर दिया। तो उसमें मैंने जब मूवी देखी थी द एवेंजर्स वाली, भाई वो मतलब क्या मूवी थी, शानदार मूवी है ना, उसको देख के पूरे मज़े आ जाते हैं। मतलब द एवेंजर्स में आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, वांडा, फिर हल्क भी था, और ब्लैक पैंथर, तो ये सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये मूवी मैंने देखी। तो मुझे ऐसा लगा कि जो डायरेक्टर है उसने तो ये पूरी की पूरी मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई, क्योंकि ये क्या, ये भी ऐसी ही बनती है शायद मूवीज़ वगैरह एवेंजर्स की आपने देखी होंगी। मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद है, जब मैंने ये मूवी देखी मेरे को तब से एवेंजर्स इतने ज़्यादा अच्छे लगने लगे। हालांकि मैंने अपने यूट्यूब निक्की आर्ट पेज पे मतलब ड्राइंग्स नहीं बनाई हैं, तो अब वो भी मैं बनाऊंगी। मेरा यही है कि सुपर हीरोज़ और सुपर वुमेंस की मैं वीडियोस वगैरह बनाऊं, मतलब ड्राइंग में। अब ऐसे रियलिटी में मैं खुद गेटअप लेके सिर्फ वांडा का ही कर सकती हूँ, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्लैक पैंथर और स्पाइडर मैन, इनका तो रियल में ऐसा कॉस्ट्यूम में पहन नहीं सकती क्योंकि मेरे पास है भी नहीं। पर मैं हाँ, उनकी ड्राइंग ज़रूर बना सकती हूँ, और थोड़ा बहुत मैं उसको और थोड़ा अपने तरीके से बनाऊंगी, मतलब वीडियो को। तो वो वीडियो भी जल्दी आएगी मेरे यूट्यूब निकी आर्ट पे। तो जो एवेंजर्स की मूवी है, तो उसमें जब मैंने मूवी देखी होगी, क्या है, जो डायरेक्टर है उसने पूरा इमेजिनेशन किया होगा, मतलब पूरा सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स होते जिसमें स्पाइडरमैन अपनी स्पार्क्स निकाले, हाथों से ऐसे यू करके निकलते हैं ना, वो वांड अपने रेड बॉल्स सारे दुश्मनों को मार रही है। आयरन मैन का सुपर ही इंटेलिजेंसी है, उसने पहन के अपना मास्क रखा है, और वो जिस तरीके से गेटअप होता है ना, उसको बंद करता है आयरन मैन पूरा, मतलब एक इंसान पूरा सुपर हीरो में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस मूवी में मैंने देखा, और स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आप सबने तो देखी होगी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं सोचती हूँ काश ही, मतलब रियल में तो नहीं हो सकता, पर डायरेक्टर ने इसको पूरा रियल बना दिया, पूरा टीम वर्क होता होगा, टीम वर्क में काम वगैरह, और फिर साथ में मतलब लोग काफ़ी, इसको टाइम लगता है ऐसी मूवीज़ को बनने में, क्योंकि उसमें VFX यूज़ होते हैं, ग्रीन स्क्रीन यूज़ होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनको स्क्रिप्ट वगैरह याद करनी पड़ती है, डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं, साथ में इतनी मेहनत होती है, उसके बाद जाके ऐसी मूवीज़ हमें देखने को मिलती है। हाँ, तो ऐसी मूवी ना बिल्कुल भी आसान नहीं है बनाना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। मैंने यूट्यूब पर कई बार भी देखा कि इसके बिहाइंड द सीन वीडियोज़, क्योंकि ना मुझे मूवी देखने के बाद बिहाइंड द सीन वीडियो तो मैं देखती हूँ, तो देखो कि अच्छा इस तरीके से बनते, मतलब कितना हमको रियल लगता है इसको देखने में, तो मुझे तो मज़े आ गए। मतलब मूवी देखना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे वो फाइटिंग की हो, फाइटिंग की, और फिर बहुत स्टोरी टेलिंग एडवेंचर हो, उस वो वीडियोस, सॉरी वो मूवीज़ मेरे को बहुत पसंद है, एकदम एडवेंचर वाली। और उसमें सारे एवेंजर्स जो होते हैं, उसमें सबसे मेरा फेवरेट है वांडा मैक्सिमॉफ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो, क्योंकि ना उसने पूरा रेड कलर का, एक तो उसने जो ड्रेसअप पहन रखा है वो मुझे मस्त लगता है, साथ में उसका जो मैजिक होता है, मैजिक कि वो रेड कलर से ऐसे निकाल लिए बॉल, फिर वो फायरिंग करिए, मार दिए, उसकी आँखें एकदम लाल हो जाती है। तो मैंने कहा यार ये तो मैं घर पर भी कर सकती हूँ, बहुत आसान है, क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर का शर्ट भी पड़ा था, वो मैंने दे दिया। फिर मैंने कहा थोड़ा एडिटिंग में देख लूँगी यूट्यूब से, थोड़ा बहुत कैसे करते सीखा, अभी उनको 2-3 दिन लग गए उसको देखने में। फिर मैंने काइन मास्टर ऐप डाउनलोड की, फिर उसमें एडिट करके से बना दिया। पर हाँ, उसमें जो मैंने एक्शंस किए, जैसे ये वाले हैं, वो सब मैंने अपने आइडियाज से किए हैं, और इसकी मैंने बिहाइंड द सीन वीडियो भी डाली है कि किस तरीके से मैंने शूट किया, और थोड़ा बहुत मैंने उसमें मेकअप किया। मेकअप तो बनता ही, अगर मेकअप के बिना मैं शूट करती ना तो इतना ज़्यादा अच्छा वीडियो नहीं बनता। सिर्फ मेकअप ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से उस कैरेक्टर को अपने अंदर प्ले कर लो, खुद अपने ऐसे एक्शंस वगैरह करो, तो पता चल ही जाते हैं। हाँ, उस वीडियो में मैंने कुछ डायलॉग्स नहीं डाले, कुछ नहीं डाले, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि मैं बोलूँ क्या, या तो मैं मूवी में से थोड़ा बहुत पार्ट निकाल देती,
कॉमिक स्क्रिप्ट निकल तो होती, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक और जन चाहिए होता है उनको जो बनाए, फिर मैं बनाऊँ बातें कर लें आपस में, तो वो एक बन सकता था भैया। मतलब बहुत सारे तरीके हैं। तो मुझे तो वीडियो शूट करने में सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। तो आप वो उस वीडियो को देखना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। और साथ में वो जो निकी आर्ट में मैंने वीडियो डाला है, जब मैंने एडिटिंग करने के बाद जो वीडियो डाली है, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ना उसमें जो मेरा फेस था वो थोड़ा सा काला भी हुआ, क्योंकि एकदम ही जो छोटा सा पार्ट भी दिख रहा है, जैसे यहाँ पे पेपर है और साइड में आपका फेस है, तो बीच में थोड़ा काला भी होगा था। इसलिए मैंने क्रिएटिव लाइफ स्टाइल पर, सॉरी हाँ क्रिएटिव लाइफ स्टाइल पर मैंने उसका ओरिजिनल वीडियो डाला है, ताकि पता चले कि मैं कर क्या रही हूँ। क्योंकि अगर मैं सिर्फ वो वीडियो डाल देती ओरिजिनल तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मेरे को। मैंने कहा वॉन्ड है तो मुझे सब कुछ वैसा ही चाहिए, एकदम पीछे ब्लैक कलर का, रेड कलर का। हाँ भाई, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग गया सच में, और मेरे पास ग्रीन स्क्रीन है भी नहीं। तो बहुत बार मतलब मैं सच बताऊँ तो मैंने 3-4 बार वीडियो देखी यूट्यूब पे, 5-6 वीडियो देखी, मैं एडिटिंग करने बैठी, ऐप्स वगैरह मैंने देखी कौन सी होती कौन सी नहीं होती। फिर मुझे चाहिए थी फ्री ऐप, क्योंकि मैं खरीदने वाली यूज़ नहीं करती हूँ। काइंड मास्टर में मैंने देखा, अब उसका बैकग्राउंड रिमूव करना ही सबसे बड़ा वो था, तो मैंने बैकग्राउंड काइंड मास्टर से रिमूव किया और उसमें फिर रेड कलर की बॉल लगाई। मैं सोच रही थी इसमें ब्लू कलर की भी लगाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, फोंडा का रेड कलर ही होता है, रेड कलर लेती हूँ। तो मतलब नया नया अभी मैंने सीखा ना, तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा सीख के, कि अब यार अब मैं कुछ ऐसा बनाऊँगी ना तो और भी ज़्यादा करूँगी, और भी नई नई वीडियोज़ वगैरह लाऊँगी। और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर मेरे पास सारे कॉस्ट्यूम्स वगैरह होते हैं, जैसे आयरन मैन के, स्पाइडर मैन के, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर, और जो भी कार्टून्स कैरेक्टर्स होते हैं जैसे मिक्की माउस, स्पॉन्ज बॉब, उनकी जैसे अगर मेरे पास ड्रेसअप होना, तो मैं पक्का मतलब ऐसा प्ले करके पूरा फिर एक वीडियो शूट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास वैसे कपड़े हैं नहीं। तो इसलिए भी मेरा बहुत मन होता है इसे वीडियो शूट करने का, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी देखती हूँ और मैं देखती हूँ यार अलग अलग एकदम ड्रेसअप पहन के आते हैं, जैसे एवेंजर्स का है तो उसने एकदम स्टाइलिंग होगी। तो ये चीज़ भी मैंने अभी सीखी, मतलब करते करते थोड़ा बहुत डांस भी किया, एक्टिंग भी की, तो काफ़ी मज़ा आए शूट करने में। पर मेरा बहुत मन है कि एक पूरा मैं गेटअप अच्छे से लूँ, फिर एक्ट करूँ, तब जाके मेरे को और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली कि हाँ कि अब मैं वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। क्योंकि एक होता है ना कि आप वीडियो पूरी बना रहे हो अच्छे तरीके से, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाओ फिर उसको यूट्यूब पर डाल दो, तो इसमें आपका शौक भी पूरा हो जाता है, दूसरा आपको पता भी चलता है कि आपने कैसा किया कैसा नहीं किया। तो आप इस वीडियो को, ये भी एंड सीन वीडियोज़ मैंने डाल दिए, उस वीडियो को भी आप देखना, ओरिजिनल वीडियो भी बताना कैसी लगी, एक्टिंग कैसी लगी और साथ में ड्राइंग कैसी लगी, वो ज़रूर बताना। थैंक यू।